हेलो गाइज, मैं हूं अमन। तो आ गया हूं फिर से एक और न्यू ट्रेंडिंग स्टेटस वीडियो के साथ। अभी आप प्रीव्यू में जिस वीडियो को देख रहे हैं, इस प्रकार का वीडियो आप भी बहुत ही आसान तरीके से बना सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलते हैं अपने मोबाइल की स्क्रीन पर। तो गाइज, इस वीडियो को हम लोग वीएन ऐप में बनाने वाले हैं। तो वीएन ऐप आपको प्ले स्टोर पर इजीली मिल जाएगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। नहीं तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप इसे डाउनलोड कर लीजिए। तो यहां पे सबसे पहले आपको अपने वीएन ऐप को ओपन कर लेना है। एंड यहां पे नीचे देखेंगे प्लस का आइकन, आपको इस पर क्लिक करना है। एंड यहां पे आपको न्यू प्रोजेक्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। यहां पे आपकी गैलरी खुल के आ जाएगी। यहां पे आपको फोटो वाले ऑप्शन में चले जाना है। एंड यहाँ पे आपको किसी भी एक फोटो को यहाँ पे सेव कर लेना है, ऐड कर लेना है। एंड जैसे ऐड करेंगे यहाँ पे कुछ इस प्रकार से आपकी इमेज जो है ऐड हो जाएगी। अभी आपको इमेज वाले लेयर पे क्लिक करना है एंड लास्ट में आना है। एंड इसका जो ड्यूरेशन है यहाँ पे आप बढ़ा लेना है जहाँ तक आप वीडियो बनाना चाहते हैं। फिलहाल के लिए मैं इसे 10 सेकंड पे कर देता हूँ। उसके बाद आपको वीडियो के शुरू में आना है। एंड शुरू में आने के बाद सिंपली यहाँ नीचे देखेंगे बहुत सारे ऑप्शन है, थोड़ा से आपको आगे आना है। तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा बीजी का, आपको इस पर क्लिक करना है। एंड यहाँ इमेज वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर इस इमेज को कुछ इस प्रकार से नीचे की ओर कर देना है। एंड इसको यहाँ पर कम ज़्यादा कर सकते हैं आप जितना करना चाहते हैं। एंड यहां से आपको ओके कर देना है। उसके बाद यहां ऊपर देखेंगे तो ओरिजिनल का ऑप्शन आ रहा है, आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है। एंड क्लिक करने के बाद यहां पे आपको टिकटॉक वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद सिंपली आपको यहां पे एक ऑप्शन मिल जाएगा पीआईपी का, आपको इस पर क्लिक करना है। एंड फोटो वीडियो पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको अपनी गैलरी में चले जाना है, वहाँ आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में चले जाना है। आपको वहाँ पर मिल जाएगा एक बॉर्डर शैडो पीएनजी, उसे डाउनलोड कर लेना है। एंड सिंपली यहाँ पे उसे ऐड कर लेना है। ऐड करने के बाद यहाँ पे नीचे बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, आपको थोड़ा सा आगे आना है। यहाँ पे आपको मिलेगा एक फिल का ऑप्शन, आपको इसे फिल कर देना है। उसके बाद ऊपर थोड़ा सा आगे बढ़ा के आएंगे तो यहाँ पे इसका जो ड्यूरेशन रहेगा आपको बढ़ा के पूरा वीडियो के लास्ट तक कर देना है। एंड वीडियो के शुरू में आ जाना है। अभी आपको फिर से पीआईपी वाले ऑप्शन पर जाना है, फोटो वीडियो वाले ऑप्शन पर चले जाना है। अभी आपने जिस भी इमेज को यहाँ पे सेव किया था उस इमेज को यहाँ पे फिर से ऐड कर लेना है। ऐड करने के बाद यहाँ पे देखेंगे बहुत सारे नीचे ऑप्शन है, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा क्रॉप का, आपको इस पर क्लिक करना है। एंड यहाँ से फिर से टिकटॉक वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है, इसे अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना है जितने भी आप करना चाहते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ से ओके करना है। ओके करने के बाद इसको यहाँ पे नीचे ला के कुछ इस प्रकार से एडजस्ट कर देना है, आप अपने हिसाब से कर लीजिएगा। इतना करने के बाद सिंपली यहाँ पे देखेंगे नीचे बहुत सारे ऑप्शन, आपको यहाँ पे आना है। देखेंगे बॉर्डर का ऑप्शन, आपको इस पर क्लिक करना है। एंड इसको यहाँ से थोड़ा सा बढ़ा देना है। एंड यहाँ से कर देना है ओके। इस इमेज को कुछ इस प्रकार से आपको एडजस्ट कर लेना है। इतना करने के बाद सिंपली इस इमेज को भी जो है पूरा ड्यूरेशन जो है वीडियो के लास्ट तक कर देना है, कुछ इस प्रकार से बढ़ा के वीडियो के लास्ट तक कर देना है। एंड वीडियो के शुरू में आ जाना है। शुरू में आने के बाद फिर से आपको पीआईपी वाले ऑप्शन पे जाना है, फोटो वीडियो वाले ऑप्शन पे चले जाना है। अभी आपको चले जाना है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे आपको मिल जाएगा एक वीडियो, उसे डाउनलोड कर लेना है। एंड डाउनलोड करने के बाद सिंपली उस वीडियो को यहाँ पे आपको ऐड कर लेना है। यहाँ पे आपकी वीडियो कुछ इस प्रकार से आ जाएगी। अभी सिंपली आपको यहाँ फिल वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। एंड उसके बाद थोड़ा सा आगे देखेंगे तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा ब्लेंडिंग का ऑप्शन, आपको इस पर क्लिक करना है। एंड थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे यहाँ पे स्क्रीन का ऑप्शन मिल जाएगा, आपको इसे स्क्रीन कर देना है। एंड यहाँ से कर देना है ओके। इतना करने के बाद फिर से आपको पीआईपी वाले ऑप्शन पर चले जाना है। एंड आपको फोटो वीडियो वाले ऑप्शन में चले जाना है। अभी आपको चले जाना है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहीं से डाउनलोड कर लेना है बॉर्डर पीएनजी। एंड बॉर्डर पीएनजी डाउनलोड करने के बाद सिंपली उसको यहाँ पे ऐड कर लेना है कुछ इस प्रकार से। ऐड करने के बाद सिंपली आपको यहाँ साइड में जो ऑप्शन है यहाँ पे नीचे आना है, आपको फिल वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। एंड इसका जो ड्यूरेशन रहेगा आपको बढ़ा के पूरा वीडियो के लास्ट तक कर देना है। एंड वीडियो के शुरू में आ जाना है। अभी आपको यहाँ पे देखेंगे टेस्ट का ऑप्शन आ रहा है ये वाला, आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है। एंड फर्स्ट वाले टेस्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। एंड यहाँ फर्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ पर आपको कुछ भी लिख देना है, जैसा आप जो भी लिखना चाहते हैं। फिलहाल के लिए मैं यहाँ पर जैसे लिख रहा हूँ लव यू, कुछ इस प्रकार से आपको भी लिख देना है। इतना करने के बाद यहाँ पे देखेंगे कलर का ऑप्शन, आपको इस पर क्लिक करना है। एंड क्लिक करने के बाद यहाँ पे बॉर्डर देख रहे हैं, आपको इस पर क्लिक करना है। एंड यहाँ पे ब्लैक कर देना है। उसके बाद साइड में देखो शैडो का ऑप्शन आ रहा है, आपको इस पर क्लिक करना है। एंड ब्लैक वाले पे कर देना है। उसके बाद इसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिए कितना आप करना चाहते हैं। एंड यहाँ से आप कर देना है ओके। एंड ओके करने के बाद इसको कुछ इस प्रकार से छोटा कर लेना है। एंड यहाँ पे ला के इसे कुछ इस प्रकार से एडजस्ट कर देना है अपने हिसाब से। इसका जो ड्यूरेशन रहेगा आपको बढ़ा के पूरा वीडियो के लास्ट तक
कर देना है। एंड इतना करने के बाद फिर से आपको शुरू में आना है एंड टेस्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, टेस्ट पे जाना है एंड यहाँ पे आपको कोई भी एक ऑप्शन सिलेक्ट करके यहाँ पे आपको एक इमोजी ऐड कर लेनी, कोई भी आपको जो भी अच्छी लगती है उसे यहाँ पे आप ऐड कर लीजिएगा। कुछ इस प्रकार से मैंने यहाँ पे देख सकते हैं ऐड कर लिया है, ठीक है। कुछ इस प्रकार से आपको भी ऐड कर लेना है एंड इसको यहाँ पे नीचे ला के इसके नीचे यहाँ पे एडजस्ट कर देना सही तरीके से, अपने हिसाब से आप कर लीजिएगा जहाँ पे आप करना चाहते हैं, ठीक है। कुछ इस प्रकार से एंड उसके बाद इसका जो ड्यूरेशन रहेगा इसका ड्यूरेशन को बढ़ा के आपको वीडियो के लास्ट तक कर देना है एंड वीडियो के शुरू में आ जाना है। अब आप देखेंगे वीडियो प्ले करके तो आपकी वीडियो कुछ इस प्रकार से बन करके रेडी हो चुकी है। तो अभी इस वीडियो को गैलरी में सेव करने के लिए ऊपर कोने में देख रहे हैं एक्सपोर्ट का ऑप्शन, आपको इस पर क्लिक करना है एंड यहाँ पे आप इसे अपने हिसाब से भी कर सकते हैं। इसे मैंने यहाँ पे 30 कर देना, इसको फुल HD कर देना है, एक्सपोर्ट पे क्लिक कर देंगे और वीडियो आपकी गैलरी में सेव हो जाएगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो एक लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।